clamping circuit. In this session, we will discuss about clamping circuit. So what is the meaning of a clamping circuit? So it is another type of non-linear wave shaping circuit. This circuit will make use of capacitor, resistors and diodes, and using this combination it will produce a waveform in which it will shift the input waveform in such a way so that a particular part of it means a particular part of the input signal, say positive or negative peak, is maintained at a specified voltage level. So what is the main function of the clamping circuit? क्लैंपिंग सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसमें जो भी हम लोग इनपुट वेवफॉर्म देंगे उस इनपुट वेवफॉर्म को वो एक पीक लेवल पे शिफ्ट करेगा. वो पॉजिटिव पीक लेवल पे भी शिफ्ट कर सकता है या फिर नेगेटिव पीक लेवल पे भी शिफ्ट कर सकता है, और शिफ्ट करने के बाद उस वेवफॉर्म को उस पॉजिटिव या फिर नेगेटिव लेवल पे मेंटेन करके रखेगा. तो ऐसा सर्किट जिसमें एक हम लोग वोल्टेज लेवल को शिफ्ट करके उसी वोल्टेज लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं, ऐसे सर्किट्स को हम कहेंगे क्लैंपिंग सर्किट. तो अगर हमें ऐसा वोल्टेज मेंटेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें एडिशनल वोल्टेज ऐड करना पड़ेगा. तो एडिशनल वोल्टेज ऐड करना किसी भी इनपुट वेवफॉर्म को, तो एडिशनल वोल्टेज को ऐड करना इज कॉल्ड एज क्लैंपिंग. So here clamping means additional of a voltage level to the input signal, and this voltage level can be positive, can be negative. So clamping circuit introduces or restores a DC level to an AC signal. So clamping circuit kya karega? It introduces or we can say it restores a DC level. This point is to be remember, DC level to an AC signal. So जो भी input में हम लोग AC signal देंगे उस AC signal में DC voltage add करेगा ये circuit, और DC voltage add करने के बाद उसे उस level पे maintain करेगा. हम लोग देखेंगे क्लैंपिंग क्या होता है डिटेल में जब हम लोग उसकी वेवफॉर्म्स पढ़ेंगे. सो वी विल स्टडी दिस क्लैंपिंग इन डिटेल. सो जब ये वोल्टेज लेवल को रिस्टोर कर रहा है, वो भी स्पेशली डीसी वोल्टेज लेवल को, तो क्लैंपिंग सर्किट इज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीसी रिस्टोरर, क्योंकि और डीसी वोल्टेज लेवल उस एसी सिग्नल का डीसी वोल्टेज लेवल मेंटेन करके रखता है, इसलिए उसको हम कहेंगे डीसी रिस्टोरर. अब इसका यूज कहां होता है? सो इट इज यू एप्लीकेशंस टेलीविजन रिसीवर्स. सो इफ यू स्टडी कलर टेलीविजन या और मोनोक्रोम टेलीविजन, देयर यू विल फाइंड द एप्लीकेशंस ऑफ क्लिपिंग सर्किट एज वेल एज क्लैंपिंग सर्किट्स. सो इट इज बेसिकली यूज्ड इन टेलीविजन रिसीवर्स, जो हमारे घर के टेलीविजन सेट्स है उसमें, टू, इट इज यूज्ड इन टेलीविजन रिसीवर्स टू रिस्टोर ओरिजिनल DC reference signal to the video signal.
सो जो भी वीडियो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से, उस वीडियो सिग्नल का जो भी डीसी वोल्टेज लेवल है, जिसको हम लोग ब्राइटनेस लेवल भी बोलेंगे, उस ब्राइटनेस लेवल को रिस्टोर करने के लिए रिसीवर पे, मतलब ट्रांसमीटर से भेज रहे हैं, लेकिन टेलीविजन पे वो रिट्राइव होना चाहिए। टेलीविजन रिसीवर, टेलीविजन इज अवर रिसीवर। ट्रांसमीटर से भेज रहे हैं, लेकिन रिसीवर पे वो डीसी वोल्टेज लेवल रिट्राइव होना चाहिए। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लैंपिंग सर्किट्स का यूज करते हैं। सो थोड़ा सा और थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं। सो इन टीवी सिस्टम्स, डीसी रेफरेंस लेवल करस्पॉन्ड्स टू ब्राइटनेस लेवल। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ब्राइटनेस लेवल को करस्पॉन्ड करता है ऑफ द पिक्चर। सो जितना ज्यादा डीसी लेवल, उतना पिक्चर ब्राइट। और जब वीडियो सिग्नल जब हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, तो हम लोग ब्राइटनेस या फिर डीसी वोल्टेज को ट्रांसमिट नहीं कर पाते। अगर हम लोग ने डीसी लेवल ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे, मतलब हम लोग ब्राइटनेस, उस पिक्चर का ब्राइटनेस ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे। अब उस पिक्चर का ब्राइटनेस ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे, तो पिक्चर तो पूरी ब्लैक दिखेगी। तो जितना लेवल ट्रांसमिट होना चाहिए, जो हम कर नहीं पा रहे हैं, तो हमारा टीवी रिसीवर खुद उस ब्राइटनेस लेवल को जनरेट करेगा यूजिंग द क्लैंपिंग सर्किट, और उसके वजह से हमें पिक्चर ब्राइट एंड क्लियर दिखेगा, ना कि डार्क। सो इन टीवी सिस्टम, डीसी रेफरेंस लेवल विच करस्पॉन्ड्स टू ब्राइटनेस लेवल ऑफ द पिक्चर इज नॉट ट्रांसमिटेड विथ वीडियो सिग्नल, एंड टू रिस्टोर इट एट टीवी रिसीवर क्लैंपिंग सर्किट इज यूज्ड। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अ क्लैंपिंग सर्किट एंड क्लिपिंग सर्किट। ऑल ऑफ अवर टेलीविजन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग सर्किट टू रिस्टोर द ब्राइटनेस, द डीसी लेवल विच इज इंट्रोड्यूस्ड करस्पॉन्ड्स टू द ब्राइटनेस लेवल। नाउ वी विल सी व्हाट इज द वेव फॉर्म्स ऑफ द इनपुट एंड द आउटपुट। सो इफ दिस इज द इनपुट सिग्नल, now this is the reference, this is zero, this is V in, this is AC signal input, this is input AC signal. So if I give this input AC signal, then what will be the positive clamping? The whole of the AC signal is clamped, so this is the DC. Say for example, if this is 5 volt, then this is 10 volts voltage. So this is time and this is positively clamped. AC signal. Why positively clamped? This is a zero reference level, and above zero, the signal is shifted positively. A DC voltage is added positive. So this was the original. Ye original signal tha. Isko maine aur shift kar diya. जीरो के ऊपर सिग्नल एसी है, लेकिन उसमें डीसी वोल्टेज ऐड करने के बाद उसको शिफ्ट किया गया पॉजिटिवली, इसलिए उसको बोला गया है पॉजिटिवली क्लैम्प्ड एसी सिग्नल। उसी तरह से नेगेटिव क्लैम्प्ड एसी सिग्नल, सो दिस इज जीरो, से फॉर एग्जांपल दिस इज -5 वोल्ट, -10 वोल्ट, तो इसका नेगेटिव क्लैंपिंग कुछ इस तरह से होगा। So this is negative clamping. Here it is minus V. So negative clamped AC signal. Zero से अगर signal ऊपर जा रहा है तो positive clamp, zero से signal नीचे आ रहा है तो
negatively clamped AC signal. Now we will discuss the types. Positive clamping or positive clampers and negative clampers and one more, biased clampers. So we will discuss each positive clamper, negative clamper and bias clamper in details in our next part. So we will study each one by one in detail.